हेलो फ्रेंड, दिस इज अखिलेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट इंग्लिश विद अखिलेश सर। एंड आई एम गोइंग टू टेल अबाउट फ्लेमिंगो चैप्टर 3। इट मींस डिस्कवरी टूर, द सागा कंटिन्यूस, दैट इज रिटन बाय ए आर विलियम्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस लेसन। कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रोज से रिलेटेड लेसन 3 है, डिस्कवरी टोल द सागा कंटिन्यूस। इसको आप देख लेते हैं, इसकी समरी संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं तो देख लेते हैं। तो डिस्कवरी टोट यानी कि टोट कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था। और इसके पहले आपने शायद सोशल में पढ़ा होगा कि मिस्र के मकबरे, ठीक है, मिस्र की मम्मी, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो देख लेते हैं द सागा। यहाँ सागा का मतलब होता है ओल्ड लॉन्ग स्टोरी। क्या होता है? ओल्ड लॉन्ग स्टोरी कंटिन्यूस, जो कि कंटिन्यू चल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो टुट थे वो मिस्र के राजा थे और वो मिस्र के 18वें राजा थे। तो उनकी मृत्यु हो जाती है और लगभग एडोलेसेंट सिचुएशन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि इतनी जल्दी राजा की मृत्यु कैसे हो गई। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना था कि हो सकता है कि कहीं राजा का मर्डर ना हो गया हो, तो इस वजह से मरने के बाद भी मतलब खोजें चलती रहीं। देख लेते हैं स्टोरी ऑफ इजिप्ट। तो इसमें जो कहानी में जो वर्णन होगा वो मिस्र देश से रहेगा। और मिस्र देश कैसा है? तो मिस्र देश यहाँ पे सैंडेड एरिया है, मतलब बालू वाला क्षेत्र है। ज़्यादा इस क्षेत्र में बालू पाई जाती है, बालू ज़्यादा है, कहने तक पर है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? काहिरा है। और मिस्र की फेमस रिवर है वो नील नदी है। तो आगे देख लेते हैं किंग टूट। किंग टूट कौन है? तो ये बिकम्स किंग एट 11 ईयर, मतलब 11 साल की उम्र में ही इनको राजा बना दिया जाता है। निकनेम क्या है? तो निकनेम इनका टुट आंकटन है या टुट आंकमन है, ये इनके नाम है, उपनाम है इनके ये। और इनका बर्थ कब होता है? तो 1341 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। डेथ इनकी कब होती है? तो 1321 BC, ये इनका डेट ऑफ डेथ है। और आगे देखते हैं तो गॉड ऑफ इजिप्ट, यहाँ चर्चा इजिप्ट की हो रही है, तो इजिप्ट को और अच्छे से देख लेते हैं। गॉड ऑफ इजिप्ट मतलब इजिप्ट के जो देवता हैं वो कौन है? आर्टेन है और आमुन है। तो यहाँ पे आर्टेन जो है, आप देख रहे हैं कि इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं टुट आंकटन और टुट आंकमुन, ये नाम गॉड से रिलेटेड ही यहाँ पे रखे गए हैं। तो गॉड ऑफ इजिप्ट कौन है? आर्टेन है, जो डिस्क ऑफ सन माने सन के देवता हैं। मतलब ये जो डिस्क का मतलब ये होता है कि ये जो इसके चारों ओर इस प्रकार से ये सर्कलिंग होता है, ये ठीक है, इसके क्या हैं? ये देवता हैं। और आमुन कौन है? आमुन भी मिस्र के देवता हैं। तो यहाँ पे गॉड ऑफ सन एंड एयर, तो यहाँ पे ये देवता हैं सूर और हवा के देवता हैं। ओके, और जब आप लेसन पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ आपको अंदर देखने को मिलेगा। और इसके बाद फराओ या फैरो या फराओ, जो भी आप पढ़ना चाहें, तो ये क्या है? तो ये है इजिप्शियन वर्ड फॉर किंग, मतलब मिस्र के जो राजा हैं उनको उपनाम के रूप में फैरो बोला जाता है। और इसके बाद होता क्या है? हॉवर्ड चार्टर एक ऐसे व्यक्ति थे, डिस्कवर्ड माने खोज कर लिया हिज टोम, उसकी कब्र का, इन 1922, मतलब 1922 में हॉवर्ड कार्टर जी ने टुट के मकबरे को खोज निकाला या ढूंढ निकाला, ताकि टुट के मकबरे को स्कैन किया जाए, एक्सरे किया जाए और हकीकत ये पता लगाया जाए कि किस प्रकार या कैसे टुट का देहांत हो गया था, टुट कैसे ख़त्म हो गया था। और इसके बाद आगे देख लेते हैं इन 1968, मतलब फिर थोड़े समय बाद 1968 में एनाटोमी प्रोफेसर रिवील्ड अबाउट मिसिंग ब्रिस्ट बोन्स एंड रिब्स। फिर 1968 में जो
एनाटॉमी प्रोफेसर रहे, तो इन्होंने भी जब देखा या एक्सरे लिए तब उन्होंने ये पाया, रिवील दर्शाया अबाउट मिसिंग, मैंने कुछ चीज़ें हैं वो गायब हो गई हैं, ब्रिस्ट बोन मतलब जो छाती की हड्डियाँ हैं वो एंड रिब्स और पसलियाँ हैं वो टुटकी गायब हो गई हैं, ठीक है। और इसके बाद एक डेट और आती है 5 जनवरी और जही हवास 5 जनवरी 2005 ओके। तो जही हवास पुट हिज मम्मी फॉर सिटी स्कैन, माने कि 5 जनवरी 2005 को जही हवास ने पुट हिज मम्मी उस टुटके मतलब शव को और सिटी स्कैन मैंने सिटी स्कैन करवाया, ठीक है, और वास्तव में मृत्यु का पता लगाया। और इसके बाद जो सिम्स हैं ये कौन है, सिम्स जो हैं ये सिटी स्कैन डोनेटेड द मशीन, तो ये सिम्स जो हैं इन्होंने अपनी सिटी स्कैन मशीन को दान कर दिया था कि तुम इस मशीन को अच्छे काम में लगा सकते हो, मतलब टुट का जो वास्तविक डेथ हुआ है उसका पता लगाने के लिए उन्होंने वो दान में दे दी थी। इसके बाद आगे लेते हैं अमैनहट्टन थर्ड, ये टुट के पूर्वज थे और अमैनहट्टन फोर्थ ये भी इनके पूर्वज रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ये इनके पूर्वज रहे हैं तो अमैनहट्टन फोर्थ ने इसकी यही थीम है कि इन्होंने आमुन जो देवता है यहाँ का इसका निरादर कर दिया था, इसके मंदिर को बंद कर दिया था, इसकी मूर्तियों को खंडित करवा दिया था, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि बाद में जब जाही हवास ने जब इनका सिटी स्कैन लिया तो वास्तव में मृत्यु का कोई दूसरा कारण नहीं मिला, कोई दूसरे वजह नहीं थी, वो इनकी नेचुरल डेथ ही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो ख़त्म हो गए। तो ये एक प्रकार का ऐसा माना जा सकता है कि अमैनहट्टन ने जो आमुन का जो निरादर किया था तो उस वजह से गॉड ने इनको श्राप दे दिया और उस श्राप की वजह से ही उनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई, कहने का तात्पर्य यह है। ओके फ्रेंड, तो ये समरी ऐसे बताने का प्रयास किया है और इसके बाद आप इसके जो ग्लोसरी बनेगा या मीनिंग बनेगा शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके शॉर्ट आंसर देख लेते हैं, हु वाज टुट, तो टुट कौन था, तो टुट वाज द लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, ही वाज ए बॉयस फैरो हु डाइड एट वेरी लार्ज एज अर्ली एज एंड बिकेम मोस्ट फेमस आउट ऑफ द रूल्स। इसकी हिंदी लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं व्हाट हैपेंड विद हिम, उसके साथ क्या घटित हुआ, तो देख लेते हैं द मोस्ट स्पेकुलेटेड एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी अबाउट What happened with King Tut was his murder. Actually, he died at very early age, which couldn't be considered as a normal death. आगे देख लेते हैं Why was body of Tut CT scan? CT scan body का क्यों किया गया? The body of Tut was CT scan for final the answer of two most lingering question about him, as how did he die and what was हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब अब मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, हिंदी लिखी है आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं हाउ वाज द एटमोसफियर व्हेन टुट बॉडी वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन, मतलब मौसम कैसा था जब सिटी स्कैन किया गया था टुट की बॉडी का। द व्हेन टुट्स बॉडी वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन द स्ट्रॉन्ग विंड हैड ब्लोड द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इट्सेल्फ There were dark cloud in the sky shielding the stars. ये इसका आंसर बन जाएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं What were the things buried with Tut's mummy and why? मतलब टुट की बॉडी के साथ कौन सी चीज़ें दफनाई गई थी, तो ब्रेड बोर्ड गेम को और ब्रॉन्ज रेजर को भी दर्शाया गया था, लेनिन अंडर गारमेंट, कैसेस ऑफ फूड एंड वाइन वर द थिंग्स बरीड बिट टुट्स मम्मी बिकॉज ऑफ हिज आफ्टर लाइफ, मतलब कि मृत्यु के बाद उनको इस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से इन चीज़ों को दफनाया गया था। आगे देख लेते हैं व्हाट इज द
फेरोज कर्स, फेरोज का कर्स क्या था? तो द फेरोज कर्स इज दैट डेथ और मिसफॉर्चून वुड फॉल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। मैंने कहने का तात्पर्य यह है, फेरोज वहाँ का किंगिसबर्ग था राजा, ठीक है, मिस्र में राजा को फेरो बोला जाता है। तो उसका कर्ज ये था कि जो भी अपने पूर्वजों का अपमान करता है उसको या तो एक्सीडेंट होता है या मृत्यु होती है। तो हो सकता है कि टुट को वो असराप लग गया हो अपने पूर्वजों का, तो ये बात बताई गई है। आगे देख लेते हैं, हु इज जाही हवास। तो जाही हवास कौन है? तो जाही हवास इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के वो सेक्रेटरी जनरल हैं, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज माने के पुरातत्ववेत्ता के वो सुप्रीम काउंसिल हैं, ठीक है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी है। आगे देख लेते हैं, विच क्वेश्चन स्टिल लिंजर अबाउट स्टोट। तो यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, कौन से क्वेश्चन हैं जो अभी तक नहीं सुलझे हैं? तो इसका मतलब क्या है, द टू बिगेस्ट क्वेश्चन दैट स्टिल लिंजर अबाउट टूट्स आर, माने दो क्वेश्चन अभी भी जिनका प्रॉब्लम नहीं सुलझा है। तो हाउ डिड टूट डाई, मतलब टूट की मृत्यु कैसे हुई ये पता नहीं लग पाया। हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मतलब मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या रही थी। हालांकि जाही हवास ने पूरे शरीर को बॉडी का स्कैन किया था, एक्सरेज निकाले थे, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि बात क्लियर तो लगभग यही हुआ है कि उनका कोई आकस्मिक या कोई दुर्घटना या कोई मर्डर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रहस्य बना रहा। लेकिन बाद में 5 जनवरी 2005 को ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, इसका एक लॉन्ग आंसर है, डिस्क्राइब द होल जर्नी ऑफ डिस्कवरी टूट। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में देखेंगे, द लेसन डिस्कवरी टूट द सागा कंटिन्यूस हैज़ बीन रिटन बाई ए आर विलियम्स। देयर आर 4 कैरेक्टर्स बट किंग टूट इज द मैन कैरेक्टर इन दिस लेसन दे आर फॉलोइंग, ठीक है, टूट को ही सब कुछ माना गया है। तो उसके बारे में ही देखते हैं, यहाँ पे पहली हेडिंग क्या है, किंग टूट। तो टूट वाज द किंग हुज डिस्कवरी बिकेम बाई द राइटर, हिज फुल नेम इज टूट टूट आंखमुन, ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, मतलब वह अपने राजवंश में अंतिम राजा था और उसके पहले एक राजा इसमें खेर को बनाया गया था, तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। और इसके बाद जब ये अंतिम लड़का बचा तो इसको 11 साल की उम्र में ही राजा बना दिया जाता है। आगे देखते हैं, किंग टूट्स टूट्स एंसेस्टर, तो टूट वाज द लास्ट किंग ऑफ हिज फैमिली, हिज फादर नेम इज अमेनहोटप थर्ड हु शुड ऑलमोस्ट 4 decades, जिन्होंने लगभग 40 सालों तक 4 decades या 4 दशक तक शासन किया। हिज सन इज अमेनहोटप 4th, इसका अमेनहोटप 4th पुत्र हुआ, हु वाज वेरी स्ट्रॉन्गर किंग, जो कि बहुत शक्तिशाली राजा था। इसके बाद आगे देखते हैं किंग टूट्स डेथ। तो किंग टूट्स डेथ के बारे में बताएंगे, यहाँ देखेंगे, किंग टूट वाज जस्ट ए टीनेजर, मतलब किशोर अवस्था में था, व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई, ही डाइड वेरी सीरियसली एंड टू फाइंड आउट हिज टॉम वाज रिमूव्ड इन 1922, मतलब 1922 में हार्वर्ड चार्टर के माध्यम से उसकी टॉम का पता लगाया जाता है। ही वाज ब्रॉट आउट ऑफ हिज टॉम, मतलब टॉम से उसको बाहर निकाला गया, एंड द सेंट्रली सिटी स्कैन वाज डन टू असर्टेन द रीजन ऑफ हिज डेथ, मतलब सिटी स्कैन किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो अगला है किंग टूट्स ममी, यहाँ देखेंगे, एट 6 PM ऑन 5 January 2005 द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ऑफ टूट वाज बीइंग पुट इनटू द स्कैनर फॉर हर परफॉर्मिंग ए सिटी स्कैन, मतलब 5 जनवरी 2005 को लगभग 6 बजे शाम को द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को सिटी स्कैन में परखने के लिए रखा गया। आगे देख लेते हैं, किंग टूट्स मम्मीज एक्सरे, तो इन 1968 मतलब 1968 में मोर देन 40 ईयर्स
आफ्टर डिस्कवरी, मैंने को उस 40 सालों के बाद एटॉमी प्रोफेसर, जो शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, एक्सरेड, मतलब एक्सरेड किए द मम्मी के उस शव के, बट द फैक्ट ऑफ हिज डेथ एंड कंसिक्वेंस आर अनक्लियर। मतलब कि एक्सरे निकाले गए लेकिन मृत्यु का जो परिणाम निकलना था वो अभी भी अस्पष्ट रहा। और इसके बाद आगे देखते हैं किंग टुटसेज मम्मी सिटी स्कैन। तो यहाँ पे देखे हैं किंग टुटसेज मम्मी वाज द फर्स्ट मम्मी टू बी सिटी स्कैन, मतलब ये पहली ऐसी मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन किया गया था, टू असर्टेन, सुनिश्चित करने के लिए द सीक्रेट, उन रहस्यों को ऑफ हिज डेथ की, उनकी मृत्यु का, उनकी मृत्यु कैसे हो गई उसको सुनिश्चित करने के लिए उनका सिटी स्कैन, उसकी बॉडी का सिटी स्कैन किया गया। वैन वी वैन दे स्कैन, यहाँ पे दे रहेगा, वी नहीं, दे स्कैन टुटसेज बॉडी वी लेफ्ट अस, तो हम ये जान सकते हैं एज इफ द गॉड वाज वाचिंग ओवर द बॉडी ऑफ टुट, मतलब ऐसी भ्रांति निकल के आई कि इतने दिनों बाद भी टुट का जो शव है वो सुरक्षित है, तो ये माना गया कि वास्तव में उसकी निगरानी गॉड ही कर रहे हैं, जो मृत्यु के बाद इतने दिन हो गए हैं फिर भी उनकी बॉडी में ज़्यादा क्षत विक्षति नहीं हुई है। आगे देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लें इसका, तो टुट आंकमोन आल्सो नंस एज टुट वाज अ ब्रेव रूलर, जो कि बहुत महान शासक था, हु डाइड इन अ मिस्ट्री, उसकी जो मृत्यु है वो रहस्यमय बनी हुई है, ही इज़ द लास्ट किंग ऑफ हिज फैमिली लाइन, मतलब वो अपनी राजवंश का अंतिम राजा था, इसके बाद फिर वो वंश ही ख़त्म हो गया है। तो वंश क्यों ख़त्म हो गया है, तो उसका रीज़न यही है कि वो फैरो का श्राप लग गया था, या गॉड आमुन का जो श्राप लग गया था कि अमेनहोट ऑफ थर्ड ने वो सारे मूर्तियों को खंडित करवा दिया था, ठीक है, और कब मंदिरों को बंद करवा दिया था, तो हो सकता है उसका श्राप हो। इसके बाद इसके MCQs बन रहे हैं तो वो देख लेते हैं। ही वाज ए तो टीनेजर व्हेन ही डाइड, मतलब वो किशोरावस्था में था जब उसकी मृत्यु हुई। आगे देख लेते हैं द मम्मी इज वेरी बैड कंडीशन, कि जब यही जब 1968 में जब स्कैन किया गया तब जो कंडीशन थी वो थोड़ी बैड थी, और जो एनाटॉमी प्रोफेसर ने जब ये एक्सरे निकाले थे तब की बात बताई जा रही है यहाँ पे। इसके बाद अगला है ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, मतलब वह अपनी राजवंश का अंतिम राजा था। और इसके बाद देखते हैं एंड एंग्री विंड, तो यहाँ पे स्टर्ड अप होस्टली, मतलब जब राजा टुट की बॉडी को कब्र से निकाला जा रहा था तो वास्तव में हवा बहुत भयानक हो गई थी। और इसके बाद आगे देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी टुट द सागा कंटिन्यूस, तो A.R. विलियम्स हैं यहाँ पे। और इसके बाद आगे है हु वाज टुट आंखमुन, तो एन इजिप्शियन किंग हैं, ये मिस्र के राजा हैं। वैन डिड टुट डाई, तो वैन ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, इसको थोड़ा गलत करते हैं, आगे देखते हैं। हु डिस्कवर्ड टुट्स टॉम एंड वैन, तो आफ्टर 80 ईयर, मैंने उनकी मृत्यु के 80 साल बाद ये पता लगाया, उनके टुट के मकबरे का पता लगाया गया। वैन वाज टुट्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन आफ्टर बींग फाउंड, तो आफ्टर 80 ईयर्स, मैंने 80 वर्ष के बाद उनकी बॉडी को सिटी स्कैन के द्वारा गुजारा गया, कहने का तात्पर्य ये है। आगे बात देख लेते हैं, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डेट अमेनहोट ऑफ थर्ड रूल इजिप्ट, तो अमेनहोट ऑफ थर्ड ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 40 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद अगला है व्हाट नेम डेट अमेनहोट ऑफ फॉर चेंज टू, तो अखेंटन, तो इन्होंने अपना नाम अखेंटन रख लिया था। और आगे देखते हैं फॉर हाउ मैनी ईयर्स डेट आंकमन रूल इजिप्ट, तो टुट आंकमन ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 9 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद आगे है हाउ ओल्ड यू डिस्क्राइब टू स्टॉम, तो इट इज़ अ मिस्ट्री, मतलब कैसे हाउ वुड यू डिस्क्राइब टू स्टॉम, तुम के मकबरे के बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्या बदल करते हैं, क्या बताते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझे, तो इट इज़ अ मिस्ट्री, अभी भी प्रकार का रहस्य बना रहा। इसके बाद है हाउ डिड टू डाई, तो मोर देन 3000 ईयर्स है वो। इसके बाद है हु इज और सिज, तो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन है, उसके देवता हैं। और इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो